हेलो, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से शेप्स आपको रेडीमेड मिल सकते हैं टिंकर केट के अंदर और स्क्राइबल टूल का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे अच्छी जो बात है टिंकर केट की जो है वो है आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको कोई प्लेन नहीं डिसाइड करना है, आपको लाइन से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बना सकते हैं। तो बेसिक टूल की अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा बेसिक बेसिक शेप्स, तो यहाँ आप जाएंगे बॉक्स, सिलेंडर, स्पेयर, स्क्राइबल, रूप, कॉन, पॉलीगॉन, तो इतने बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं जो बेसिक शेप आपको मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। लाइक अगर मुझे रूप का यूज करना है, मैं रूप को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, उसके बाद मैं इसके डायमेंशनिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। सपोज इसको बढ़ाना है बढ़ा दूंगा, जैसा मैं चाहूँ वैसा इसको कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बार उसका रूप मिल गई। उसके बाद अगर मैं जाऊंगा इसमें, तो इसमें टेक्स्ट एंड नंबर्स होते हैं, तो आपको टेक्स्ट एंड नंबर्स मिल सकते हैं। टेक्स्ट अगर आप पे जाएंगे आप, तो आप टेक्स्ट पे लिख भी सकते हैं। मान लो आपने टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब यहाँ पर आप टी की जगह आप चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिख सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल सकते हैं, उनका आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कनेक्टर्स मिल सकते हैं, अगर आप कोई असेंबली बनाते हैं वहां पर आपको कनेक्टर्स की आवश्यकता है, लाइक सपोर्ट सॉकेट, वर्टिकल सॉकेट, हैंडल, बाल हैंडल, तो आप इन सबका रेडीमेड यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको AMSI हैंगआउट स्पेस मिलते हैं, ये अगर आपको फर्नीचर बनाना है, टेबल्स चाहिए, बिग टेबल, स्मॉल टेबल, राउंड टेबल, लैंप अगर आपको लगाना है, अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, इस लैंप को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको रेडीमेड ये चीजें मिल सकती है जो इसकी खासियत है। उसके बाद अगर आपको होम बनाना है तो उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें जो होती है, बोतल्स हो गई, मार्कर्स हो गए, ये सब आपको रेडीमेड मिल सकती है, जैसे रूलर हो गई, स्केल हो गई, ठीक है, तो ये चीजें आपको मिल जाती है शेप्स में। उसके अलावा भी एक शेप लाइब्रेरी है जहाँ पर काफी चीजें मिलती है, शेप जनरेशंस ये हैं, सर्किट बनाने तो आपको सर्किट में असेंबलीज मिल सकती है, कंपोनेंट मिल सकते हैं। बता देता हूँ मैं कुछ कि शेप्स में कंपोनेंट्स देखिए आप, ये कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, मतलब सर्किट डिजाइन भी आप टिंकर किट के अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल सकते हैं शेप्स के, जो आपको डायरेक्टली आपका बहुत सारा टाइम बचा देंगे, बहुत सारी एनर्जी आपकी बच सकती है। इन सब के बाद जो है अगला टूल की बात करने जा रहा हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। टिंकर किट के बारे में तो कहीं आपको बहुत कम जगह इसका जिक्र होता है, ये एडवांस टूल लॉन्च किया है टिंकर किट ने, तो आपको जाना है स्क्रैबल, ठीक है। स्क्रैबल को आप जैसे यहाँ लेके आएंगे तो आपका एक ऐसा वर्क स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप राइट करेंगे ना, सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी राइट करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर कुछ राइट करता हूँ, तो ये चीज क्या होगी, 3D में बन जाएगी, ठीक है। कैसे बनेगी, हमको यहाँ दिखेगी वो चीज, ये चीज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3D में कैसे दिखेगी। आपको लगता है मुझे कुछ डिलीट करना था, मैं इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है तो आप कुछ इस पे वापस ड्रॉ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मतलब आप ये राइटिंग टूल है, आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये 3D में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने डन कर लिया, आप डन करें यहाँ से, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया जो आपने अभी मैं लिखा था। तो आपको लिखना है और वो चीज़ यहाँ बन जाएगी, इससे अच्छा और क्या चाहिए। अगर आपको यहाँ पर लगता है नहीं यार इसकी हाइट ज़्यादा है, आप हाइट को कम कर सकते हो, या आप हाइट को कम कर पा रहे हो, हाइट को बढ़ा पा रहे हो, तो स्क्राइबल टूल आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपको लगता है कि मैं इसको रोटेट करना है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो स्क्राइबल टूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई चीज लिखना है अपने हैंड से और जब आप लिखोगे वो चीज 3D में आ जाएगी, तो ये भी बहुत हैंडी होगा जब आप लोग कोई मॉडल तैयार करेंगे 3D प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक शेप्स हो गए, ये स्क्राइबल टूल का यूज हो गया। आने वाले लेक्चर में हम लोग अब बात करेंगे कि इन सब टूल्स और इन शेप्स का यूज करके हम कैसे कोई 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसको हम लोग 3D प्रिंट कर पाए। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लगातार चाहिए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इफ यू वांट टू लर्न 3D प्रिंटिंग और आप 3D प्रिंटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरा कोर्स यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट से फिनिश तक सीख सकते हैं। इस कोर्स को मैंने बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से डिजाइन किया है हिंदी भाषा में। ये एकमात्र कोर्स है जो आपको 3D प्रिंटिंग में एक्सपर्टीज देगा। इस कोर्स में हम डिजाइन ऑफ 3D मॉडल से स्टार्ट करते हुए फाइनल स्टेप यानी कि
पोस्ट प्रोसेसिंग तक हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। कोर्स में कवर किए हुए टॉपिक्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप लिंक के माध्यम से कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस कोर्स में मोर देन 50 लेक्चर्स हैं, जिसके माध्यम से मैंने अपना 5+ ईयर्स का 3D प्रिंटिंग सिखाने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। वीडियो के साथ साथ हर सेक्शन के बाद क्विज एंड असाइनमेंट दिए हैं, जो आपकी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करेगी। मेरा मिशन ईच स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन कम से कम कीमत में पहुंचाना है, इसीलिए इस कोर्स की कीमत मात्र 299 रुपीज रखी गई है, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वेरीफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप अपने लिंक्डइन और वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। दिस नॉलेज एंड सर्टिफिकेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CV एंड जॉब इंटरव्यूज। आफ्टर एनरोलिंग द कोर्स आपको एक्साइटिंग कैश बैक भी मिलेंगे, जिनका उपयोग आप नेक्स्ट कोर्स में एनरोल करने में कर सकते हैं। साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग की 2 ई-बुक्स यानी कि 2 ई-बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिनके मार्केट कॉस्ट अराउंड 7,000 रुपीज से ज्यादा है। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या मेंशन ईमेल पर मेल कर सकते हैं। यह कोर्स 3 डेज की मनी बैक गारंटी के अंदर आता है। आफ्टर परचेसिंग ऑफ कोर्स एट एनी इंस्टेंट अगर आपको लगता है कि कोर्स वर्थ नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड, नो क्वेश्चन विल बी asked. So looking forward to see you inside the course. Thank you.